बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत अकोमोडेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा हाई पे चल। आप अपनी रिसर्च भी करें, इन्फॉर्मेशन आपको नोवा स्कोशिया के बारे में मिलेगी। नोवा स्कोशिया के रेंट बहुत ही ज्यादा, उसके लिए जो है आप जो है एलिजिबल भी हो जाते हैं। जैसे सभी को पता चल रहा है कि हाँ ओंटारियो में पीआर नहीं हो रही, तो आपको जॉब के लिए भी एटलीस्ट। ये क्वेश्चन रिलेटेड टू AIPP प्रोग्राम। कई स्टूडेंट्स को तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, टेंट में रहना पड़ रहा है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और यू विल गेट योर पीआर। SNP स्किल्ड वर्कर्स मींस डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज राजन, दिस इज जैस्मिन, एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो गाइस। बहुत ही दिनों के बाद, दिनों के बाद नहीं बोलेंगे, बहुत ही महीनों के बाद ये वीडियो लेके आए हम। वर्क लाइफ बहुत ज्यादा बिजी थी, ये साल बहुत ही बिजी रहा है हमारे लिए। सो नाउ वी आर इन आवर कंफर्ट जोन, सो वी विल बी मेकिंग गुड वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एंड ऑल द वीडियोस विल कम रेगुलर एंड इन सीरीज। सो लाइफ का सबसे बड़ा बिग अपडेट ये है कि नया घर लिया है, उसके चक्कर में थोड़ा सा सेटिंग के चक्कर में लगे हुए थे। अब सब कुछ सेटल्ड है, वी आर इन कंफर्ट जोन एज आई मेंशन बिफोर। सो बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैं सोचा कि क्यों ना एक क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग बनाया जाए, जिसमें आपके कुछ सिमिलर क्वेश्चंस और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हैं उनको उठा के आपको एक क्लियर आंसर दिया जाए, जिससे आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। कुछ इमिग्रेशन चेंजेस आए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नोवा स्कोशिया के बारे में मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था किसी ने। सो ये क्वेश्चन रिलेटेड टू AIPP प्रोग्राम है, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जिसके बारे में पूछा गया है कि क्या सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे, और अगर हाँ तो क्या इसका अलग पोर्टल है या एक्सप्रेस एंट्री में जाकर हमें इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं AIPP प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर की फर्स्ट आपको जो है एंडोर्समेंट अप्लाई करनी होती है, जो कि आपकी एम्प्लॉयर जो है इफ़ दे आर डेजिग्नेटेड अंडर AIPP तो वो जो है आपके लिए एंडोर्समेंट अप्लाई करेंगे। और जब एंडोर्समेंट आपको आ जाती है, देन यू हैव टू गैदर ऑल अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्लस द एंडोर्समेंट ऑन अ स्पेसिफिक AIPP पोर्टल, जो कि आपका जो एक्सप्रेस एंट्री का है उसमें नहीं जाना आपने, इसका AIPP का एक सेपरेट पोर्टल है जहाँ पे आपको जाकर वहाँ पे अपना सबमिट करनी है फाइल। एंड वी विल ऑल्सो अटैच अ रेफरेंस लिंक जहाँ पे आप वो पोर्टल को देख सकते हैं कि वो कौन सा पोर्टल है जहाँ पे आप फाइल सबमिट कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि AIP इज टोटली डिफरेंट एंड एक्सप्रेस एंट्री एंड PNP इज टोटली डिफरेंट। सो AIPP का एक डिफरेंट पोर्टल है जिसपे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और यू विल गेट योर PR। क्वेश्चन का मीनिंग है कि क्या सभी कॉलेजेस जो है वो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं, बिकॉज वर्क परमिट यू नो फॉर PR इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तभी आप PR के लिए एलिजिबल होते हैं अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं। तो इसका अगर आपको है कि आपको एक सॉलिड आंसर चाहिए, वो आप खुद पता कर सकते हैं। वेबसाइट पर हम आपको रेफरेंस लिंक भी दे देंगे जहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नेम सर्च करना है और उसके आगे लिखा होगा DLI इंस्टीट्यूशन नंबर, दैट मींस डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो वो अगर वहाँ पे होगा कि दिस इज़ अंडर DLI और इट इज़ लिंक विद DLI, दैट मींस दैट कॉलेज इज़ एलिजिबल फॉर ग्रांटिंग यू द वर्क परमिट। तो वो आप वहाँ वेबसाइट पे जाके खुद से आप सर्च कर सकते हैं, और अगर DLI वहाँ लिखा रहा है दैट मींस कि वो आपको ग्रांटेड 100% वर्क परमिट इशू करता है वो कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, एक पब्लिकली फंडेड कॉलेज होते हैं। जो पब्लिकली फंडेड कॉलेज होते हैं उनका एक DLI नंबर होता है जो आपको मिलता है। प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो आपको सिर्फ स्टडी प्रोवाइड करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते जिससे आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। कि अगर आप एक साल स्टडी करोगे आपको एक साल का वर्क परमिट मिलेगा, अगर आप दो साल स्टडी करोगे आपको तीन साल का वर्क परमिट मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इंटरनेशनल ग्रेजुएट PR पाथवे को। तो देर आर लाइक थ्री मेन PR पाथवेज,
फर्स्ट वन इज AIP जो कि जैस्मिन ने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, दूसरा है NSNP स्किल्ड वर्कर ट्रेनिंग, और तीसरा है NSNP नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री। तो ये तीन मेन प्रोग्राम है जो आप नोवा स्कोशिया में अगर स्टडी करते हो आके इनमें एलिजिबल होते हो। हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, बट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर अकोमोडेशन के बारे में भी बताओ स्पेशली फॉर गर्ल्स। अगर कोई क्वेश्चन ना भी पूछता फिर भी मैंने ये बताना ही था जो सिचुएशन इस टाइम पे अकोमोडेशन की चल रही है इन नोवा स्कोशिया, पर्टिकुलरली नोवा स्कोशिया की बात करूँगा मैं, बिकॉज वी आर लिविंग। इसके कई रीज़न है कि जैसे ओंटारियो में PR डिफिकल्ट है, सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन अपनी करके इधर को मूव हो रहे हैं, और इंडिया में भी सोशल मीडिया की वजह से सभी को पता चल रहा है कि हाँ ओंटारियो में PR नहीं हो रही तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं। तो 2022 में 2023 में इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं कि अकोमोडेशन ही नहीं मिल रही, अकोमोडेशन की इतनी दिक्कत आ रही है कि मैं बोलना नहीं चाहूँगा टेंट में रहना पड़ रहा है बाहर। इतनी ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है कि अगर आप अकोमोडेशन ढूंढते हो आपको अवेलेबिलिटी ही नहीं मिलेगी कि आप अप्लाई करें उसमें। आपको बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कम से कम जब हम आए थे यहाँ पे कम से कम एक दो हफ्ते में आपको कोई रूम मिल जाता था रहने के लिए, बट यहाँ पे एक एक दो दो महीने से स्टूडेंट्स को रूम नहीं मिल रहे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप नोवा स्कोशिया में आएँ, मैं आपको मना नहीं कर रहा, बट आप अपना अकोमोडेशन का पहले से ही देख के आए। कॉस्ट ऑफ लिविंग वो तो इन्फ्लेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी मेजर फैक्टर है, उसके कारण अकोमोडेशन के प्राइजेस ह्यूज इंक्रीज इन द प्राइस। कोई भी आप अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं तो अकोमोडेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा हाई पे चल रही है, तो आप अपने हिसाब से अपना सोच समझ के आए कि आप यहाँ पे लैंड हो, आपका कोई हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे आपका पहले से ही कोई वे है, आपने फाइंड कर चुके हो आप, तो दैट्स अ गुड थिंग। और आपने न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा इस टाइम अकोमोडेशन जो ओंटारियो की कैसे चल रही है या और सभी प्रोविंस की, और इसी से रिलेटेड जो एक मेजर चेंज ला रही है गवर्नमेंट 2024 में, वो कितनी GIC की रिक्वायरमेंट है आप बताओगे? 20,635, दैट मीन्स पहले $10,000 थी GIC, अब उन्होंने डबल कर दिया टू 20,635। सो दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन के कारण उनको ये करना पड़ रहा है, बिकॉज पहले क्या होता था जब आप लोग आते थे या हम लोग आते थे तो होता था कि हम अपनी फीस जो है नेक्स्ट सेमेस्टर की जॉब्स करके निकाल लेते थे कोई पार्ट टाइम जॉब करके, बट नाउ अ डेज इवन आपको जॉब ढूंढने में इतनी डिफिकल्टी आ रही है, डीमोटिवेट नहीं कर रहे, बट द करंट सिनेरियो जो चल रहा है वी आर जस्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस कि आसपास क्या हो रहा है, बिकॉज हम यहाँ रहते हैं तो हम बता रहे हैं। तो जो है आपको जॉब के लिए भी एट लीस्ट आपको 6 मंथ में भी लग जाते हैं ढूंढने में इस टाइम पे। एक साल की फीस मीन्स दो सेमेस्टर की फीस और $20,635 ऑफ GIC दे इंक्रीज्ड अप टू, सो बहुत मुश्किल कर दिया यार इन्होंने ना। पहले स्टूडेंट 11-12 लाख में आ जाते थे, अभी तो इन्होंने 20-25 लाख तक का कर दिया कि जो भी स्टूडेंट आए उसके बाद इतने पैसे होने चाहिए। GIC के लिए ही आपको अराउंड 13 लाख रुपीज सबमिट करवाने हैं, जो पीछे 5 लाख होते थे ना। इट्स सो हार्ड। ओके, वी गोना गो अप टू आवर नेक्स्ट कमेंट। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है जी? सो ट्रांसपोर्टेशन इज गुड। After every 15 or 20 minutes, you will get a bus. And sometime at night, sometime it takes like half an hour. But in most probably in daytime, it's like 15 or 20 minutes, you can get every bus. So it is good in winters as well, in snowstorm. Normally, government has their Twitter account, snowstorm or in winter, if there is no service, normally they just upload that on Twitter that our services will be delayed for 2 hours and you can accommodate according to that. So
सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत आएगी। और सम कॉलेजेस आपको पास भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको हर टाइम टिकट लेने की जरूरत नहीं है, वो आपकी फीस की इंक्लूडिंग में ही होती है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सो वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे पास, और आप ना पास लेके तो आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, जैसे आप पास टैप करें और अपने सीट। और ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत अच्छी है। Now we're gonna go to our next question for that. Same, तीन पी आर ऑप्शन हैं, आप ए आई पी में जा सकते हो, आप एन एस एन पी स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में जा सकते हो, या एन एस एन पी नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री में जा सकते हो। दीज आर थ्री ऑप्शन। गो टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट्स डिफरेंट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर नोवा स्कोशिया experience express entry NSNP express entry, it has to be Nova Scotia you studied in, but if you are going for NSNP skilled worker or AIP, you can study in other province and move here and apply, but for express entry you have to study in Nova Scotia. So but it has to be in Canada, not in other country. So yeah, that's a good one. So that's a good question as well. I want, if you would like to answer that. सो अगर आप एक साल का कोर्स ऑन्टेरियो में कर रहे हैं और दूसरा आप सोच रहे हैं आप नोवा स्कोशिया में कर रहे हैं, यस यू आर फ्री टू डू दैट। और उसके लिए जो है आप जो है एलिजिबल भी हो जाते हैं यहाँ पे पीएनपी, बिकॉज अगर आप उनके रिक्वायरमेंट्स पढ़ें तो वो बोलते हैं कैनेडियन डिप्लोमा या जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी यहाँ पे होनी चाहिए कैनेडियन। सो दैट मीन्स कि इट डजंट मैटर कि आपने एक साल ओंटेरियो में किया, बट अगर आपने नोवा स्कोशिया में एक साल किया तो वो भी काउंट होगा कि आपके पास एक कैनेडियन डिग्री है यहाँ पे, सो यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी ऑफ द पीएनपी प्रोग्राम। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका हमने आंसर दिया है अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। सो हमने जो भी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो, बट हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि आप अपनी रिसर्च भी करें। अपना आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे बहुत इजी इंफॉर्मेशन, बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ रिक्वायरमेंट्स हाउ टू अप्लाई एवरीथिंग इज देयर, यू कैन डू योर ओन रिसर्च एज वेल। एक छोटी सी वीडियो बनाने की ट्राई करी हमने बहुत टाइम के बाद, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं किसी भी जरिए, अपने इन्फॉर्मेशन के जरिए, अपनी वीडियोस के जरिए, तो हमें अप्रिशिएट जरूर करें, हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही हम अब रेगुलर वीडियोस लेते आते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू वांट टू से समथिंग जैस्मिन? सो बस इसी तरह अगर आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप शेयर भी कर लीजिएगा, बिकॉज जो अगर जितना शेयर करेंगे मे बी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन वो ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रही, मे बी शायद हमारी ईजी लैंग्वेज उनको समझ आ जाए और मे बी उनके लिए कुछ ये हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लाइक।